और इससे आगे फिर था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस कम्बाइन करके क्रिस क्रॉस करके यू कैन यू कैन राइट एनी फार्मूला दैट यू लाइक ठीक है बट दिस ओनली टू आयोनिक कंपाउंड्स मेरे ख्याल से एक तो ज्यादातर लोगों ने इस इसमें गलती की थी कैल्शियम सल्फेट में कि कैल्शियम टू प्लस है और एसओ फोर टू माइनस है एक तो ये याद रखना कि अगर तो चार्जेस सेम है तो फिर कुछ करने की जरूरत है नहीं uh, लेकिन अगर आप क्रिस क्रॉस कर भी देते हो ना तो मैंने कहा था कि द रेशियो हैज टू बी बात कर? मास आप पूछ रहे थे ना किस वाले फॉर्मूले की बात जी कर? सर, मुझे भी याद ये भी कर... आपने लिखा है थ्री एंड फोर अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट हाँ अमोनियम सल्फेट का मैं कर रहा हूँ

और होगा। जी सर, लिखे थे मैंने। क्या लिखे थे, थे यही था फिर ठीक है फिर कोई इश्यू नहीं होगा जी यही मेजोरिटी का ठीक मेजोरिटी का ठीक था मतलब ज्यादातर बीच में कोई एक गलती थी चार्ज, तो गलत लिखे हुए थे Uh, या गलत कॉपी किए हुए थे तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्रिस क्रॉस भी डिफरेंट आएगा अच्छा नाउ मूविंग ऑन ये, हमने, ये भी हम, करते रहेंगे, इस पे हम और प्रैक्टिस uh, करते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्योंकि वो आगे इससे रिलेटेड सारी इक्वेशन टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स मतलब अब से ना मतलब इवन क्रॉस भी करने की जरूरत ना पड़े कि कोई आपको कहे ना कि कॉपर सल्फेट किया तो आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला है इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कॉपर हाइड्रोक्साइड तो आपको ऑटोमेटिकली पता हो कि उसका फॉर्मूला के मतलब प्रैक्टिस से पता लगेगा कार्बोनेट आपको ये पूरी एफर्ट ना करनी करनी पड़ेगी कि बैठ के ना क्रिस क्रॉस कर रहे हो इतनी प्रैक्टिस की भी हो कि वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता हो अच्छा सो वॉट वी गोइंग टू स्टडी नाउ इज वी गोइंग टू स्टडी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और

प्रोटोन दैट्स ओनली अ प्रोटोन एंड बेसिस और इट्स योर एज प्लस वन एक्सेप्ट राइट ये ये दो वर्ड्स आपने मेन्शन करने इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि

इवन अगर आप अपने सेल्स को देखो अपनी ह्यूमन बॉडी को देखो दैट मोस्टली मेड अप ऑफ वॉटर वॉट इज मेन मीडियम जितने भी पार्टिकल होते हैं ना दूसरे आयम सारे यूजली पानी के अंदर ही तैयार होते हैं ठीक है आपके सेल्स के अंदर वॉटर तो है आपके ब्लड के अंदर वॉटर है आपके ब्रेन सेल्स के अंदर वॉटर है वॉट इज एवरीवेयर तो मेन जो मीडियम है ना जिसके अंदर रियाक्शन हो रहे हैं दैट इज वॉटर और वाटर जो होता है ना दैट आयनाइज प्रोड्यूस

क्योंकि वो हो ही पानी में होते the so, तो uh, तो आपका जो सोलूशन होगा ना उसके अंदर थोड़े से H और थोड़े से ओ एच आई भी होंगे तो आपके जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे न, ये जो पिंक और ग्रीन वाले आपस में रिएक्ट कर रहे हो पानी के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन के अंदर But uh, at the same time, there's going to be some H plus one and some OH ions present as well. Uh, why would they be present? Because uh, water ionizes. Ho just hold on one second. I just sorry. The light is not working. So, is it clear to everyone? is this clear? Only the water part. Hello, is the sound coming?

ये मैं शो किया हुआ है कि पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे ना लच्छा अगर हंड्रेड वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सारे नहीं टूट रहे होते सारे आयनाइज नहीं हो रहे होते थोड़े से 100 में से से मतलब में में ना कोई एक आध बीच टूट गया वो और ओ बना दिए इज दैट पार्ट क्लियर यस yes, अच्छा अब इशू किया ये ऐसे बेसिस बीच में कहा से आ जाते हैं uh, पहले तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि वाटर इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन एवरी रिएक्शन

कि इस सोल्यूशन के अंदर ना जितने एच प्लस हैं उतने ही ओ एच आइनज हैं एग्जैक्टली सेम जो कि होने भी चाहिए क्योंकि अगर वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ही एच पर्सन बनेगा और एक ही ओ OH एच आई बनेगा तो ये दोनों इक्वल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो दैट इज वॉट इज नोन एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन और उसको मेजर करने का एक तरीका होता है विच इज वच इज योर 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 ठीक है दैट्स दैट्स इसको आप कहते हो कि दिस इज योर पी एच मतलब पीएच मेजर किस तरह होता है वो एक टेक्निकल चीज है वो, वो हम नहीं करेंगे. Uh, लेकिन आपको बस ये न्यूट्रल है एच प्लस वन और ओ एच एच की क्वान्टिटी इक्वल है अच्छा इसी तरह फिर यू हैव एसिडिक सोलूशन अब देखते हैं कि एसिडिक के अंदर क्या होता है

तो एकदम से पानी के अंदर क्या होगा एच प्लस वन आयंस की क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ओ एच आयंस तो दैट वुड मेक द सॉल्यूशन एसिडिक तो एच प्लस वन वुड इंक्रीज वो ज्यादा हो जाएंगे और ओ एच आयंस जो होंगे वो पानी के अंदर कम हो जाएंगे ठीक है ये बात क्लियर है अब अनालाइज दिस क्लियर मास क्लियर है एमएस क्लियर है जी सर

ज्यादा हो जाते हैं तो अगर इसके अंदर ना बेस एड हो जाए ना तो बेस क्या करेगी कि बेस एस करता है, मतलब वो खत्म कर देता है उनको। तो पानी के ना वो ओएचाइन प्रोड्यूस करती है ये मैं इधर एड भी कर देता हूँ उसको प्रोटोन एक्सेप्टर कहते हैं और या फिर ये भी कहते हैं कि प्रोड्यूस ओएच ठीक है तो बेस क्या करेगी बेस ईजन गायब कर देगी पानी के अंदर से वो सारे खुद कर लेगी एक मॉलिक्यूल होगा जो गेन करना शुरू कर देगा तो पानी के अंदर की कम कम होती जाएगी तो कम हो जाएंगे और जाएंगे और बढ़ ठीक है so the whole idea is, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वाटर के अंदर सब कुछ हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो वाटर के अंदर ये दो आयंस होते हैं जो बराबर क्वानिटी में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है जितने एस आयंस होंगे तो ये इक्वल होते हैं इसको न्यूट्रल कहते हैं अगर बीच में एसिड का मॉलिक्यूल डाल जाए तो वो क्या करेगा इट वुड इंक्रीज द H+ ion क्वांटिटी एंड डिक्रीज द OH- ion क्वांटिटी एंड इफ यू ऐड अ बेस टू द वाटर तो H+ कम हो जाएंगे और OH- ज्यादा हो जाएंगे ठीक uh, है इज दिस क्लियर टू एवरीवन व्हाट्स अप ने लेट जॉइन किया था इज दिस क्लियर एम इट्स क्लियर है जी सर जी सर हां मतलब हम इस तरह कहेंगे के मतलब बेस जो है जब वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो जब रिलीज करते है तो वो हाइड्रोजन क्या क्या वो खत्म हो जाते हैं या फिर क्या होता है नहीं बेसिकली वो बैलेंस है ना बेस uh, की दो डेफिनेशन है जो सही एक और ना बेस क्या करता है? है और एच परसेंट कम कर देता है ना मतलब ये बैलेंस इस तरह कर देता है जो नहीं, दोनों काम कर सकता है वो या तो वो ओ एच एस बढ़ा दे और प्रोड्यूस कर ले या वो एस अच्छा। परसेंट खत्म कर दे रिजल्ट एक ही आएगा समझ आई बात अच्छा ठीक है अच्छा मतलब एज प्लस कैसे कम करे गेन कर लेगा ना खुद गेन कर लेगा ना अच्छा वो, अच्छा थीक। वो वो थीक। मैं वो मैं भी बताता हूँ कि वो किस तरह करेगा बस वो खुद कंज्यूम कर लेगा ठीक है अभी बस सोचोगे एक मॉलिक्यूल है जो ये काम करता है अच्छा एनी तो इसलिए ना एच प्लस वन के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब तो आप पौधों को पानी भी दे रहे हो ना तो आप सबसे पहले पीएच है क्योंकि उससे होगा क्या उससे ये जो ग्रीन और पिंक वाले जो मॉलिक्यूल है ना जो आपस में रियाक्ट करें इनके रिएक्शन अफेक्ट होंगे हर रिएक्शन को ना हर रिएक्शन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कुछ चाहते हैं कि जी पानी का जो पीएच हो ना वो सेवन हो जैसे आप पौधों का पानी दे रहे हो तो आप यूजली न्यूट्रल वाटर दे रहे होते हैं वो प्रेफर करते हैं के पी एच सेवन हो के एच प्लस वन और एच बराबर हो कुछ रिएक्शन होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि पानी के अंदर ना एच प्लस वन ज्यादा हो शायद उन्हें चाहिए और एच प्लस वन इसलिए वो प्रेफर करते हैं जैसा आपका आपका जो स्टमक का एग्जाम्पल है स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव रियक्शन हो रहे होते हैं स्टमक हाईली एसिडिक होता है ठीक है तो स्टमक की जो आपकी एसिड लाइनिंग होती है दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एच प्लस आयंस हाईली एसिडिक होता है तो वो प्रेफर करता है कि जी रिएक्शन मतलब तो वो प्रेफर करता है कि एज पसंद ज्यादा हो शायद उस रिएक्शन को एज पसन की जरूरत हो और उसी तरह फिर बहुत सारे रियाक्शन होते हैं जो बेसिक कंडीशंस प्रेफर करते हैं आ, आपका इवन ब्लड जो है ना वो एसिडिक है ब्लड का अगर पीएच जो है ना वो जरा सा भी ये जो बैलेंस है ना एज पर्सन और का जरा सा भी खराब होगा ना और इवन आपको स्टमक में वो कहते हैं ना एसिडिटी होगी Uh, तो पीएच बेसिकली खराब होता है सबसे पहला जो इश्यू होता है ना कोई भी प्रॉब्लम का केमिस्ट्री के अंदर चाहे वो बा, आप बायोलॉजी क्योंकि केमिस्ट्री की दो तीन एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की दो तो एप्लीकेशन बहुत सारी है लेकिन जो सबसे रेलिवेंट हमारे लिए है वो बायोलॉजी में है कि आप दवाइयाँ खाते हो कंज्यूम करते हो द बिगेस्ट इशू इज के सबसे पहले आप जाके चेक करते हो कि कहीं पीएच तो नहीं खराब हो गया आपका ब्लड का पीएच जरा सा खराब हो गया ना तो जो रिएक्शन होने थे वो हो नहीं पाएंगे और जो रियक्शन नहीं होने थे वो होना शुरू हो जाएंगे और वो ही आपके स्टमक के अंदर होता है 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 कि 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 जी तो तो उसका मतलब मतलब कुछ ज़्यादा बन जाते हैं तो मतलब ये so ये जो ना का हर reaction करता है कि उसकी मर्जी का बैलेंस हो ठीक है जी सर क्लियर अच्छा अब आते हैं डिस्कशन उस पर अब आ जाते हैं काम की मेन बातों पे ठीक है हो गया क्लियर। कौन से हैं ठीक है एसिड्स कौन सी चीज प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस एच प्लस नाइन्स यानी प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये कौन से मॉलिक्यूल हैं जो है? H प्लस वन प्रोड्यूस करेंगे ये वो मॉलिक्यूल है जिनके पास एच प्लस होगा तो प्रोड्यूस तो एक तो एसिड के फॉर्मुले में H plus one must आएगा। ये जितने भी हमने पहले प्लस बनाए थे ना ये पॉजिटिव और ions है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉपर हाइड्रोक्साइड है कॉपर हाइड्रोक्साइड एसिड किस तरह हो सकता है क्योंकि उसके पास तो एच प्लस है ही नहीं तो प्रोड्यूस किस तरह करेगा टेन सल्फेट है उसके अंदर एसओ पड़ा हुआ टेन पड़ा हुआ है तो जब एज हो गई नहीं तो प्रोड्यूस किस तरह करेगा तो पहली जो रिक्वायरमेंट है ना एसिड्स की एसिड्स के formulas के अंदर फॉर्मुला तो H को किसी भी के साथ जोड़ दो ना तो वो एसिड बन जाता है जो, जो मर्जी जोड़ दो H के साथ दैट इज मोस्ट लाइकली एन एसिड वन एग्जाम्पल है इसकी एज सी एल क्योंकि उसमें एज प्लस वन और इसका नाम क्या है इनके नाम वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं

और मुझे एसिड्स के नाम बताओ क्या क्या? इनिवरन मानोला मालौ, कोई नाम याद है? HNO3 ठीक हाँ है एच प्लस वन को एन ओ थ्री माइनस वन के साथ जोड़ दो तो वो आपका कौन सा एसिड है ये? एंड नाइट्रिक एसिड ठीक है दिस इज़ योर नाइट्रिक एसिड और फिर आपके पास uh,

H plus one ion होना चाहिए ठीक है मतलब वो अच्छा। तब वो तब वो acid की तरह बिहेव कर सकता है मतलब बहुत ब्राइट चांसेस होंगे मतलब किसी बस H plus one है ही नहीं तो वो H plus one produce किस करेगा समझ आई बात हम्म ओके okay, सर ठीक है अब जैसा जैसा ये है ना ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था अब इसके पास H plus one मतलब इसके पास all तो hydroxide आया

सर एक वो इथेनॉइक एसिड भी होता है हाँ वो सारे करते हैं वो फिर और, वो उस पर मैं आता तो, हूँ एक तो बॉडी स्टाक हो गया के के है कम छोटा किसान करें ठीक है अच्छा फॉस्फोरिक एसिड अभी पहले इस पे रहते हैं कार्बोनिक एसिड होता है H2, टू एच प्लस और CO3 थ्री माइनस तो वो क्या बनेगा H2CO3? टू सीओ दैट्स योर कार्बोनिक अच्छा रेचो का uh, अब फिर ये सबसे कॉमन एसेड है फिर इनके ना कुछ रिलेटिव्स होते हैं एक सल्फ्यूरस एसिड होता है उसमें सल्फाइड होता है उसमें एच प्लस वन और एसो फोर एसो थ्री माइनस टू होता है ये दोनों मिलके बनाते हैं तो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड ये भी अक्सर पेपर्स के अंदर आ जाते हैं और पेपर के अंदर कोई भी एसड आ सकता है आपको बस ये पता होना चाहिए ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ पता होनी चाहिए कि और कोई नेगेटिव आइन मिल जाए ना तो ये पेपर के अंदर आपसे वो ऑल दो सबसे कॉमन तो ये चीज़ें आती हैं लेकिन कोई अजीब सी चीज़ भी आ सकती है नेगेटिव आइन की जगह ना कुछ भी हो सकता है ठीक है बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फॉर्मूला बनाना आना चाहिए अच्छा देन यू हैव एच प्लस वन एंड पीओ थ्री माइनस थ्री वो जो फोस्फाइट था आइन तो दिस पुटर फिर एक नाइट्रस एसिड होता है वो एच प्लस वन और एनओ टू माइनस वन होता है सो दैट्स योर दैट्स योर नाइट्रस एसिड तो ये आपके सारे के सारे एसिड्स हैं जिनके नाम वगैरह सब कुछ आपको फिंगर पे होना चाहिए कोई आपसे कहे कि फास्फोरिक एसिड क्या है तो ऑल दो बना तो सकते हो लेकिन आ, इतना टाइम नहीं होगा वो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फिंगर टिप्स पे होने से इनके नाम वगैरह लास्ट अच्छा uh, थ्री क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ. है? ये मैंने थोड़े रेयर होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं होता वो ज्यादा कॉमन है ठीक है अच्छा देन THERE'S ANOTHER THING CALLED uh, STRONG ASSETS. ये सारे फॉर्मूल याद रखने हैं, ठीक है मतलब नाइचुर एसेड है तो वो जो एक पता नहीं मैंने शीट भेजी है अभी तक कि नहीं भेजी आ, शायद मैंने भेजी थी लास्ट टाइम लेकिन भेजी है मैंने कोई कि नहीं भेजी अगर नहीं भेजी मैं भेज दूंगा फिर किस चीज की जिसके अंदर ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें ना वो सारी उसमें लिखी हुई है ठीक है वो मैं भेज देता हूँ क्लास के में अच्छा एनी वेज ये वो चीजें जो आपने याद रखनी है एसेट्स के नाम फॉर्मूलाज एक्सेट्रा नाउ जो आपके स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग एसिड्स फुली आयनाइज होंगे एंड प्रोड्यूस मोर एज ions। अच्छा मतलब क्या है इस बात का दे वो डायनाइज फुली uh, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एच सी इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 पार्टिकल्स होंगे ना HCl के सो ऑल ऑफ आर गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस Cl आयंस मतलब ये नहीं होगा कि कोई रह जाएगा इट्स अगर 100, अगर 10 HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे ना ऑल ऑफ आर गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड गोइंग टू प्रोड्यूस एच आयंस फिर वीक एसिड होता है वीक एसिड जो होता है ना उसमें होता है कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स होंगे और उसमें एक ये एथेनोइक एसिड है ये मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस भी करता हूं अच्छा सो इफ यू हैव हैव अ अ इफ यू वीक एसिड वीक एसिड का मसला है कि नॉट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू आयनाइज सो दे पार्शली एंड दे प्रोड्यूस फ्यूअर एज प्लस तो इसका मतलब है कि वीक एसिड जो है ना अगर आपके पास सौ पार्टिकल्स होंगे सौ मोलिक्यूल होंगे इस एथेनोइक एसिड के तो यहाँ पे इश्यू यह आएगा कि आ, सारे के सारे एज प्लस वन प्रोड्यूस नहीं करेंगे उन सौ में से ना कोई एक आद मॉलिक्यूल जो होगा दैट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड आयनाइज एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस दिस H+1 आयन ठीक है इज दिस क्लियर कि वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड बहुत आर क्लियर है हमारा लॉ जी सर और जो पीछे एसिड mm -hmm. हां वो जो पीछे एसिड पड़ा है वो क्या है वो सिर्फ एसिड कौन से पीछे पड़े है?

मॉलिक्यूल्स बहुत ढेर सारे होंगे लेकिन उनमें से कोई एक आध मॉलिक्यूल ही ना जाके एच परसेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा ठीक है तो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया अच्छा इसमें वीक एसिड्स के अंदर ना ये चीज हम अभी नहीं पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तो ये बस वीक एसिड्स वाला चैप्टर तो इधर ही खत्म अभी कर लेते हैं कि मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स अच्छा ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं ये पूरा चैप्टर है जो एंड में पढ़ेंगे इन सारों में ना सिर्फ एक वीक एसिड है विच इज दिस वन कार्बोनिक एसिड जिसके अंदर कार्बन और अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी स्ट्रेंथ वगैरह के ऊपर आ, आ, आ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी कर लेते हैं कि मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जस्ट फॉर एग्जांपल्स कि एवरीडे लाइफ में कौन सा एसिड सुना है ऑरेंज ऑरेंज में कौन सा होता है लेमन में कौन सा होता है सिट्रिक एसिड ठीक है सिट्रिक एसिड होता है आ, ये आपका लेम्स और ऑरेंजेस वगैरह के अंदर फिर यू हैव एसिडिक एसिड होता है ये विनेगर वगैरह के अंदर होता है देन यू हैव मैलिक एसिड वो एपल्स में होता है एपल्स uh, में अमाइनो एसिड होता है अमाइनो एसिड acid... उससे क्या चीज बनती है हम बने होते हैं अमाइनो एसिड से ठीक है तो तो मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बहुत सारी चीजें होती हैं जो एसिडिक होती हैं ठीक है इट्स नॉट लिमिटेड टू दीज मॉलिक्यूल्स लेकिन फिलहाल जो हम इक्वेशंस पढ़ेंगे दे वुड बी लिमिटेड टू दीज मॉलिक्यूल्स और ये ऑर्गेनिक कार्बन वाले जो है ना ये तो हम अभी पढ़ेंगे नहीं अच्छा नाउ नेक्स्ट वन नाउ के वॉट आर बेसिस I uh, said, so what are bases? I uh, said, so bases are the exact opposite. Okay. I uh, said, so bases are the exact, exact opposite. They accept each person's. प्रोड्यूस ये आ, जो प्रोटॉन वाली बात, ना, वाली बात ये है ना एज प्लस स्ट्रॉन्ग है ठीक है लेकिन वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा अच्छा अब कौन कौन से मोलिक्यूल बेसिस होते चीजें जो आपने पढ़नी है वैसे, वैसे तो कुछ भी हो सकता है एनीथिंग दैट वन दैट्स लेकिन जो आपने oxides the other one is hydroxide and the third one is carbonate carbonate remember it's a weak base as a weak base I said what happens uh, what happens ions वो क्या करते हैं uh, कि उन्हें अगर एस पसंद नजर आएगा ना तो ओ माइनस टू ना उस एज पसुन को पकड़ेगा बल्कि दो को पकड़ेगा और उनको अपने साथ जोड़ देगा और वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा तो पानी के अंदर ना इस पसंद खत्म हो जाएंगे द सेम वुड बी डन बाय हाइड्रोक्साइड कि हाइड्रोक्साइड अगर आय होगा ना तो इट वुड लेट्स से वसंत घूम रहे तो उस एसपसन को पकड़ेगा और उसको उसका मिलकर वाटर बना देगा ठीक है कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स भी कुछ इसी तरह करेंगे व्हाट कार्बोनेट्स वॉट कार्बनेट वार्बनेट के अंदर ना एक ऑक्सीजन का आयन होगा ऑक्सीजन माइनस टू वो जो ऑक्सीजन का माइनस टू होगा ना वो इस पर्सन के साथ मिलके एच टू को बना देगा और पीछे आपके पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा मतलब कार्बन कार्बन के साथ ना तीन ऑक्सीजन थे तो कार्बोनेट आयन में ना एक ऑक्सीजन जो होगा ना वो एज पर्सन के साथ मिलकर स्टो बना देगा और पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रह जाएगा सो द होल पॉइंट इज के ऑल थ्री आयंस दे आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एज पर्सन आइन्स मतलब उन इन तीनों आयंस को ना कहीं पर भी, भी डाल दो ना तो ये वहां पर अगर कोई एज पर्सन घूम रहा होगा ना उसको अपने साथ पकड़ के ना एस्ट्रो बनाते रहेंगे ठीक है मुर्जा क्लियर है Uh, जी सर सर ये ये तीनों वीक वीक बेस वीक अच्छा। बेस नहीं ये आखिरी वाला वीक बेस है क्या ठीक है मतलब आखिरी वाला ये काम करता है लेकिन कोई इतना स्ट्रांगली नहीं करता ठीक है लेकिन तीनों बेसिक है अच्छा और रिमेम्बर दिस थिंग कि ये जो आइंस हैं ये अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे आ, हमेशा कोई नेगेटिव आयन होता है तो उसके साथ कोई पॉजिटिव आयन भी होगा और पॉजिटिव आयन किसके होते हैं तो इट्स 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 मेटल आयन आयन या फिर अमोनियम मतलब हमेशा किसी नेगेटिव आयन के साथ कोई पॉजिटिव आयन भी होगा ना तो आपके कौन कौन से कंपाउंड्स बेसिक होते हैं मेटल so ऑक्साइड or you have metal hydroxide or you have metal carbonates. Okay. Is there a sound? Yes, sir. sir. Just one second कोई काम नहीं है चाहे वो एन एस फोर प्लस वन हो या कोई मेटल का आयन हो बेसिकली इट्स ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और अ कार्बोनेट आयन अगर वो होंगे ना दे वुड बी बेसिक सो इट्स मेटल ऑक्साइड और

मतलब हमेशा एक नेगेटिव एक नेगेटिव आयन के साथ कोई पॉजिटिव आयन भी होगा ना तो ये ऑक्साइड का आयन है ना तो ऑक्साइड का आयन के साथ कोई पॉजिटिव आयन भी होगा तो कंपाउंड पूरा का पूरा क्या होगा इट्स गोइंग टू बी मेटल ऑक्साइड समझ आई अहमद नहीं मतलब वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते है ऑक्सीजन को सेपरेट कर देंगे हम तो ऑक्सीजन नहीं हो जाएगी खाली नहीं देखो ओ -2 है ना एग्जिस्ट करने में तो कोई मसला नहीं है लेकिन अगर वो दुनिया में अकेला हो ठीक है लेकिन कोई पॉजिटिव आइन तो होता है ना जैसे एम जी का घूम रहा है। तो नेगेटिव आइन और पॉजिटिव आइन सारे मिलके मतलब वो हमेशा एक नेगेटिव आइन के साथ पॉजिटिव आइन लाजमी होता है या तो बिल्कुल ही अकेला कहीं घूम रहा है ना स्पेस के अंदर कहीं फिर तो ठीक है तो लेकिन वही इशू है कि कोई कोई भी नेगेटिव अकेला घूम रहा रहा होता तो उसके था था होता उसके साथ हमेशा पॉजिटिव 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 है 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 ठीक क्लियर जी तो इसलिए लेकिन वो 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 मैं कह था कि वो जो जो मर्जी ना उसका उसकी बेसिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है वो सारा इस पे डिपेंड कर रहा है, जब भी आप किसी मेटल ऑक्साइड को देखोगे सोडियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है या एन एच ठीक है और कार्बोनेट जैसा के टू सी ओ थ्री या सी ए सी ओ थ्री तो ये सारे कंपाउंड बेसिक है

और ज्यादातर फार्मूला यही बनेगा कि उसके पास एच पस वन उसके फार्मूले में होगा एंड उसको किसी भी नेगेटिव वाइन के साथ कंबाइन कर लो ना तो इसको फॉर्म एन ठीक है वो क्रिस क्रॉस करो तो एसेड ही बनेगा इनके नाम वगैरह आपने सारों के याद रखने एंड देन यू रखनेव दीज वंस के क्या और बेसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि सारे रिएक्शंस डिपेंड कर रहे हैं जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले जाके आप ये पानी का पीएच चेक करते हो कि इसका पीएच क्या है कि एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है क्या उस रिएक्शन के लिए ये प्रेफरेबल भी है कि नहीं है वो रिएक्शन कौन सा पीएच पसंद करता है वो कौन, किस टाइप का पानी प्रेफर करता है कि वो एज पसंद और ओए बराबर हो ऐज परसों ज्यादा हो और ओं कम हो वो ये प्रेफर करता है या फिर एज पसंद कम हो या ओएसाइन ज्यादा हो तो इसलिए पीएच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ठीक है और ज़्यादातर रियाक्शन इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे कोई एज पर्सन एक्सेप्ट कर रहा होगा कोई एज पर्सन लूज कर रहा होगा तो चले ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं और अब हम रिएक्शंस करेंगे मेन चीज हम इक्वेशंस और रिएक्शंस करेंगे कोई पांच रिएक्शंस है वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक क्लियर है no, चले ठीक है ये बस अभी रटे लगाना इन एसिड वगैरह के फार्मूलास और बेसिस ये चीज ना बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो और वो नाइट्रेट और वो आयंस वगैरह की जो लिस्ट है ना वो भी उसका उसको भी मेमोराइज करो ठीक है चले ओके देन टेक ए लाफस लाफस ठीक है लाफस लाफस ओके सर लाफस लाफस